बजट को लेकर अपने अपने नजरिए से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। सब अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई अच्छा बता रहा है तो कोई बुरा बता रहा है। आम बजट को लेकर व्यापारी भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने खास बात की हमारे संवाददाता अमित दुबे ने उनसे। क्या कुछ वो कहते हैं देख लेते हैं। केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है, आइए बात करते हैं। एसपी राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, आज जो खास तौर पे बजट आया है क्या कहें? देखिए, बजट में जेटली जी ने जो इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स का स्लैब और बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने बहुत कंजूसी उसमें की है। जो वर्तमान परिस्थितियां थी लोगों के मन में, चाहे व्यापारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबके मन में था स्लैब को बढ़ना चाहिए था और सीमा 5 लाख तक की लोगों की मांग थी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लोगों को भ्रमित करके थोड़ा बढ़ाया है। दूसरी बात, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि गांव गरीब किसान की बात बहुत कंजूसी से की गई है। उन्होंने योजनाएं वो बताई हैं, ऐसी कोई योजना नहीं बताई है जो डायरेक्ट छोटे किसान का लाभ हो। इस प्रकार मैं कहूंगा बजट में गांव गरीब किसान की उपेक्षा की गई। सर, आपने कहा कि किसानों के लिए कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन 10 लाख करोड़ इस बार किसानों के कर्ज के लिए रखे गए, सिंचाई के लिए अलग बजट दिया गया, फसल बीमा योजना के लिए अलग बजट दिया गया। देखिए, किसी बीमार व्यक्ति को अचानक उसको रबड़ी खिला दीजिए तो उसका फायदा नहीं होता उससे। इन्होंने कभी किसानों के बारे में नहीं सोचा है। अब सोचा तो इतना सोच लिया कि उसका हिसाब नहीं लगा पाया अभी तक। मैं समझता हूं कि इसमें समय लगेगा, इसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। तो ये थे सुखराम सिंह यादव, जो साफ तौर कह रहे थे कि किसान, जो किसानों को डायरेक्ट कुछ मिलना चाहिए था इस बजट के थ्रू, वो नहीं मिला। दूसरी चीज, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे टैक्स स्लैब में सिर्फ 50,000 रूपये की छूट दी गई, 2.5 लाख पहले था, अब 3 लाख हुआ है। उम्मीद थी सरकार से कि ज्यादा कुछ रिबेट मिलनी थी। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।